हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल मारो लाइट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिस्टर इंडियन हैकर की क्या सच में मौत हो चुकी है, गौरव जोन को किस वजह से इतना हेट मिल रहा था एंड टोटल गेमिंग पबजी के बारे में क्या कहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिस्टर इंडियन हैकर इसी चीज़ के बारे में बताते हुए अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, तो चलिए मैं आपको उनकी स्टोरी प्ले करके दिखा देता हूँ। इसी बीच के अंदर काफी लोगों ने इंटरनेट पर मेरे मरने की खबर फैला दी। बोले मिस्टर इंडियन हैकर अब नहीं रहे। तो गाइस यार एक चीज बता दूं, ऐसे नहीं मरने वाला मैं। देख लो सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरे साथ जो तीन लोग और पॉजिटिव आए थे वो भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, और अगली न्यूज गौरव जोन की तरफ से। गौरव जोन को हेट क्यों मिल रहा था, तो चलिए मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। तो नमस्ते गाइस, मैंने कल ऐसी वीडियो डाली थी जिससे लोग काफी हर्ट हुए, काफी उन्हें बुरा लगा देख के। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक अपना छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि आप में से काफी लोग बोले सेफ्टी इश्यूज के बारे में, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरे सेफ्टी मेजर लिए हैं और मैंने वीडियो में ही बोला है, बट रॉ डाटा मैंने डाला नहीं क्योंकि वो चीज वीडियो की लेंथ बढ़ाता है, जो कि मेरे से गलती हो गई और वो लोग देख नहीं पाए। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, वीडियो पूरी सेफ्टी मेजर लेके बनाई गई थी मैंने। एक्चुअली क्या है, कभी कभी हम बाहर के कंटेंट देखते तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे मैं किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ, यहाँ के इंडिया के लोग, यहाँ के कुछ बच्चे मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में वो कंटेंट गलत चला गया और ऐसा नहीं जाना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको वो डॉलर वाली वीडियो का बुरा लगा हो तो अब मैं कुछ ऐसा ट्राई नहीं करूँगा, और जितने भी लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो, और अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो मैं दिल से तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। तो चलिए दोस्तों अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, और अगली न्यूज है टोटल गेमिंग की तरफ से। टोटल गेमिंग को किसी ने पूछा कि आप पबजी खेलना पसंद करोगे या नहीं, तो उसी के बारे में बताते हुए टोटल गेमिंग ए कहे, अरे अज्जू भाई आपकी दुकान तो खत्म होने वाली है यार, पबजी आपकी दुकान ना ले ले यार ऐसा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, अपना फ्री फायर ही रहेगा और अपना पबजी ही रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होता ना, तो क्या है मतलब अलग अलग है ना। तो भाई आप हेट नहीं करते क्या पबजी वालों को? ऐसा पबजी वालों को क्यों हेट करें यार, वो भी गेम है, दोनों गेम बहुत ही अच्छी है, बट इतना फर्क इतना है ना कि इसमें थोड़ा रेम कम है और पबजी का थोड़ा रेम ज्यादा है, मतलब दोनों गेम बहुत ही अच्छी है, दोनों की ग्राफिक्स भी अच्छी है, गेम प्ले मतलब दोनों गेम ही बेस्ट है मतलब समझे मेरे लिए तो। अच्छा अजय भाई आप खेलोगे? आने तो मैं भी थोड़ा ट्राई करूंगा। मेरे को तो लगता है फ्री फायर और पबजी वालों का टक्कर चलता है एकदम से भाई। अज्जू भाई आप बताओ। हाँ अरे अभी तो बताऊँ, बीच में जो अपना सीन चल रहा था टिकटॉक वर्सेस पबजी, अभी देख रहा फिर आने वो लॉन्च होगा ना, फिर से स्टार्ट हो जाए ये लोग। अच्छा तो चलिए दोस्तों अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, और अगली न्यूज कैरिम नाइटी की तरफ से। कैरिम नाइटी का एक ट्वीट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वी आर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, थैंक यू गाइस स्प्रेड मोर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सही, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे याद से इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।